ऐसे थे जो मेरे बड़े यादगार रहे कि एक साहब थे, वो आए स्टेज के करीब। मैंने कहा जी मैं आपके खिदमत में फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम सुना रही हूँ। तो वो साहब आए, कहने लगे महनाज जी हमें आप फैज़ साहब का कोई ताज़ा कलाम सुनाएं। फैज़ साहब को फौत हुए 7 साल गुजर चुके थे, कह रहे हमें आप फैज़ साहब का कोई ताज़ा कलाम सुनाएं। तो मैं बड़ी परेशान, मैं क्या करूं। मैंने कहा जी मैं गई थी उनके पास, उन्होंने आपको सलाम कहा है और जल्दी बुलाया है। ये यादगार प्रोग्राम था भाई, आधा घंटा तो गाना बजाना हुआ ही नहीं, हंसते ही रहे सब लोग। यहाँ भी मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। महनाज आपने रेडियो पे सबसे पहले किस कंपोजर के साथ काम किया? सबसे पहले जो गाने मतलब गाया जो हिट हुआ मेरा जी, वो नियाज़ अहमद साहब का, और बहुत अच्छा गाना था मेरा सबसे पहला, बिल्कुल मेरी जिंदगी का पहला। आपकी जिंदगी का पहला गाना जी। देखिए उस्ताद, असल में पूछे जिन जिनका मैंने काम किया, जो सीनियर्स थे, जो असातिज़ा थे, बड़े उस्ताद, सभी मेरे उस्ताद थे, हो गए। मगर यहाँ कराची में जब मैंने काम किया तो सबसे पहले तो मैंने नियाज़ अहमद साहब का काम किया, और मैं उनको बहुत ही इनकी इज्जत सबकी करती हूँ, मगर उनकी मैं बहुत ज़्यादा इसलिए प्यार करती हूँ, मैं उनको नियाज़ भाई कहती हूँ, और नियाज़ अहमद साहब जैसा कोई दूसरा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी खूबी मुझे जो मुतासिर जिसने किया वो ये कि कभी भी 30 साल से मैं काम कर रही हूँ, उनकी एक ट्यून वो दूसरी ट्यून से नहीं मिलती, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। कजरारी अखियों में नींदिया नाए, कजरारी अखियों में नींदिया नाए, जिया घबरा कजरारी अखियों में नींदिया नाए, जी घबराए पिया नहीं आए, कजरारी अखियों।